बात है सर क्या बात है सर क्या बात है ये बात है अरे एक तो और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा सो हे हेलो हैलो ऑफ गाइज कैसे आप से उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे सो so, गाइज यार ये जो वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है तो उन उनपे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं एंड अच्छी खासी चल भी रही है गाइज एंड कमेंट ये कि थोड़ा बहुत आ, लोगों को ना इशू होता रहता है हर वीडियो में तो वह इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम के जो ट्वीट्स चल रहे हैं अभी भी चल रहे हैं पहले तो ट्रेंडिंग्स में थे अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो उन पर आप कैसे बना के आप एक ही टाइप का कॉन्टेंट डाल के वायरल कैसे हो सकते हो तो एक ही टाइप का कॉन्टेंट डालोगे तो जरूर से वायरल हो गएगा इसे ठीक है गाइज तो उसी पर हम मैं एडिट करने वाला बताने वाला हूं so, सो आपको पहले फाइंड कैसे करना तो आप इंस्टाग्राम के रील्स में वैसे भी आप वीडियोज की क्लिप निकाल सकते हो ठीक है बस ट्वीट अपना डालना और जो वायरल क्लिप है साउंड है वो निकाल लें ठीक है मतलब कि डाउनलोड करें और कैसे डाउनलोड करना आपको अपनी इंस्टा मोड है के यूज करना जिसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाता है नहीं है तो आपको मैं डाउनलोड पेज में प्रोवाइड किया हूँ तो जो इससे डाउनलोड कर सकते हो गाइज ठीक है सो डाउनलोड करने के बाद गई आपको क्या करना प्ले स्टोर में जाना एंड आपको व्हाइट वर्ड लिख के सर्च माना और ये अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करना एंड स्टाइलिश फाउंड लिख के ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना एंड देन आपको पहले इमेज uh, वगैरह को सिलेक्ट कर लेना तो सबसे पहले क्या करना गाइज आपको पहले व्हाइट बर्ड के एप्लीकेशन को ओपन करना एंड फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो इस टाइप होगा एंड यहाँ पे गाइस ये जो लोग बोलते फुल कस्टमाइज कर सकते हो तो यहाँ पे क्या करना गाइस यहाँ पे थ्री डॉट है ना आपने इस पर टैप करना एंड यहाँ पे तीन टाइप के आपको थीम देखने को मिलेंगे जो कि पहला व्हाइट में है एंड जो भी आपको पसंद है वो रख सकते हैं देन दूसरा डार्क में जो कि कुछ इस टाइप एंड तीसरा जो है बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लैक वाला काफ़ी ज्यादा अमेजिंग लुक देता है जो कि मैं सोचता हूँ जिस टाइप से ठीक है तो आपको क्या करना सबसे पहले प्रोफाइल नेम लेना ठीक है तो यहाँ पे आप लिखोगे ना प्रोफाइल नेम तो मैं सिंपल से मैं अपना ही नाम लिख देता तो हूँ ठीक है तो यहाँ अब मैं अगर इस स्टेप से लिखूंगा तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा बट अगर आप स्टाइलिश फाउंड वाले ऐप को ऑन करके एंड यहाँ पर लिखते हो अपने प्रोफाइल का नाम तो यहाँ पर इतने सारे फाउंट आपको देखने को मिलेंगे गाइस देख सकते हो तो कितने सारे फाउंट हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ तो यहाँ पर हम स्लाइड करके आगे की ओर जाएंगे ऊपर की ओर सॉरी तो यहाँ पर इतने सारे ना आप देख देख के परेशान हो जाओगे तो यहाँ पे ज़्यादातर ये वाले लोग यूज़ करते हैं देख सकते हैं ये वाला तो हम इसको सिंपल से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे ठीक है तो नेम में हमने पेस्ट कर दिया एंड डन एंड यहाँ पे गई इमोजी वगैरह भी लगा होता तो यहाँ पे इमोजी वगैरह भी दे सकते हो ठीक है तो हम मैं सिंपल से रोज के इमोजी uh, ये वाला होता है एंड एक हर्ट uh, होता है हर्ट ब्रोकन हर्ट ठीक है तो यहाँ पे मैं सिंपल से इमोजी सर्च मार लूँ ब्रोकन यहाँ पे आ गया ठीक है देन डन पे टैप करेंगे एंड ये स्टेप से आ जाएगा एंड यूजर नेम पे गाइस सिंपल ही रखी यूजर नेम अगर आप स्टाइलिश देना चाहते हो तो दे सकते हो तो ठीक है तो मैंने सिंपल से लिखा देन ओके एंड मेन ट्वीट में जाके आप गाइस जो भी लिखना चाहते हो इस पर टैप करोगे मेन ट्वीट में एंड यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो तो यहाँ पर मैंने सिंपल से दो रखे हुए लिख के तो यहाँ पे एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो कि इस स्टैप से देखने को मिलेगा सिंपल से कॉपी एंड यहाँ पे जाके एंड पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो गया देन डन पे टैप करेंगे एंड गाइस अगर इसको भी स्टाइलिश में लिखना चाहते हो थोड़ा सा स्टाइलिश तो होना चाहिए गईस वायरल होने के लिए तो यहाँ पे हम इसमें चले जाते हैं स्टाइलिश फ़ॉन्ट में इसको क्रॉस करेंगे एंड पे टैप करके एंड सिंपल से पेस्ट एंड पेस्ट पे टैप करने के बाद गईज यहाँ पे मैं कुछ स्टेप से एंड यहाँ पे और भी बड़े सारे फ़ॉन्ट हैं तो हम देख लेते कौन सा सही रहेगा ठीक है तो मैं सिंपल से मेरे को सही लगा तो इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे जाके हम पेस्ट करेंगे एंड यहाँ यार कुछ भी चेंज नहीं होगा मतलब कि फोन अगर इस, इस टाइप से डाल रहे तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा जिस टाइप से लिखोगे उसी टाइप से आ जाएगा एंड देन वाइज आपको होता है यहाँ पे ये डी पी ठीक है तो यहाँ पे हमने टैप करना इस पर एंड यहाँ पे आपको क्या करना है इस पर चले जा जाना गैलरी में एंड यहाँ पे फोटोज़ पे जाके एंड डी पी डाल सकते हो ठीक है तो मैं डी पी यार मैंने यहाँ पे डी पी भी लिया एंड देन वाइज अगर आप डेट वगैरह चेंज करना चाहते हो तो इस पर टैप करके एडवांस में डेट वगैरह चेंज कर सकते हो काफ़ी लोग होते जो कि एडवांस में कंटेंट बना के रखे होते कि उस डेट को हम पब्लिश करेंगे एंड इस टाइम को तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हो एंड गाइज यार यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हो ठीक है एंड देन गाइज उसके बाद आता है ये ट्विटर फॉर एंड्रॉइड तो इसको ज़्यादातर लोग आईफोन रखते हैं तो यहाँ पर सिंपल से आपको आईफोन लिख देना ठीक है एंड अगर अपना नाम लिखना चाहते चाहिए अपना नाम भी लिख सकते हो एंड यहाँ पर री वग़ैरह नीचे जो जितने सारे ऑप्शन है इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो क्रॉप कर देते हैं ठीक है तो उसको वो भी हम भी करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो आ, सारा कस्टमाइज हो गया तो नहीं क्या करना है इस पर सेव पे टैप करना एंड इस वाले इमेज को सेव करना गैलरी में एंड यहाँ परमिशन दे देना गाइज एंड सेव करने के बाद आपको गैलरी में ओपन करना है इसको तो यहाँ पे मैंने गैलरी में ओपन किया एंड ओपन करने के बाद गाइज आपको क्या करना है इसको क्रॉप करना है तो एडिट के ऑप्शन में जाएंगे एंड क्रॉप के ऑप्शन में जाके स्टेप्स इसको क्रॉप कर लेंगे एंड क्रॉप करने के बाद सिंपल से सेव पे टैप करेंगे एंड इसको सेव करने के बाद अब वीडियो के ऊपर चिपकाना है इसको तो उसके लिए हम लाइट मोशन में जाएंगे एंड देन आपको प्लस के ऑप्शन पे टैप करना एंड यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट करना है तो नाइनटी सी सिक्सटी नाइन बैकग्राउंड को ब्लैक रहने दे एंड कोई सा भी कलर लिख सकते हो कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करोगे एंड स्टेप से आ जाएगा देन का आपको प्लस के ऑप्शन पे टैप करना एंड मीडिया के ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पे डांस वाले वीडियो को सेलेक्ट करना जो कि मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ तो सिंपल से हम आगे चले जाते हैं एंड यहाँ पर मैं सुन लेता हूँ पहले तो बेसिकली गाइज ये जो है ना टिटोरियल मैंने एक डाउनलोड किया था जो कि शॉर्ट में था एंड यहाँ पे डांस पे तो सिंपल से इसको हम कट करेंगे जहाँ से हमारा मेन डांस स्टार्ट होता है एंड एक्स्ट्रा वाले पार्ट को हम डिलीट करेंगे एंड देन गाइज हम स्टार्टिंग में जाएंगे एंड इस पर टैप करेंगे इस वाले ऑप्शन पर टैप करके उसको यहाँ तक ले आएंगे स्टार्टिंग तक एंड देन गाइज ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा क्लिप निकल चुका है ग्यारह सेकंड का तो देख सकते हो यहाँ पे इसमें डांस वाला जो है साउंड भी है जो कि मिक्स करते हैं एंड ट्रेंड में भी था वो वाला डांस वाला क्लिप तो देन गाइज आपको क्या करना यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पर टैप करना

कलर भी ले आ सकते जैसे कोई पोस्ट वगैरह आ गए तो वहाँ पर सिलेक्ट करके आ जाएगा ठीक है गई देन आपको क्या करना इसको एंडिंग तक लाना सबसे पहले तो एंडिंग में जाएंगे एरो का यूज़ करके तो ये जो विटमार्क लगा इसको हम अनचेक करते हैं एंड देन यहाँ पे इस पर टैप करेंगे एंड इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको एंडिंग तक लेंगे एंड देन गईस आप इसको कलर को वीडियो पर लगाने के लिए इस पर टैप करेंगे ब्लैंडिंग एंड के ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे कॉन्सर्ट पे टैप करना है यहाँ पे ओवरले पे टैप करना सो देख सको कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कलर तो चेंज कर लिया हमने वीडियो का एंड इसको को आप अगर आपको इससे ज़्यादा करना है इसको डार्क वगैरह तो यहाँ पर डबल करके यहाँ पर कर सकते हो बट यहाँ पर डबल अच्छा नहीं लग रहा है देन यहाँ पर टैप करेंगे इसके ऊपर देन इफेक्ट का ऑप्शन में जाएंगे एड इफेक्ट पर टैप करेंगे गाइस एंड यहाँ पर हम सेचुएशन एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन ढूंढेंगे एंड यहाँ पर लिखा एंड ऊपर वाले पे टैप करेंगे एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करके इसके सेचुएशन एंड वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम सा लुक देगा हमारे वीडियो पे ठीक है तो फाइनली हमने जो है यहाँ पर सॉन्ग एंड उसका कलर सॉरी वीडियो बैकग्राउंड वीडियो एंड उसका कलर को चेंज कर लिया अब यहाँ पर हम ट्विटर का ट्वीट को हम लगाना है सो तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में आएंगे प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे मीडिया ऑप्शन में जाएंगे एंड ट्वीट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपको मूव एंड ट्रांसफार्म में जाना एंड राइट साइड से थर्ड ऑप्शन में जाके इसको इस टैप से हम इसको रिसाइज करेंगे एंड रिसाइज़ करने के बाद गाइज यहाँ पे हम नीचे की ओर जाएंगे एंड यहाँ पे रख रख सकते हैं ठीक है गाइज एंड uh, काफ़ी ज़्यादा uh, मतलब कि जो बस टैक्स आता है बैकग्राउंड नहीं होता सो so वो मैं भी, भी बता देता तो, तो आपको ब्लैंडिंग एंड ऑपोजिट के ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पर लाइटन पे, पे टैप करके स्क्रीन पर टैप करोगे तो ये देख सको कि गाइज़ यहाँ पे चले गया जो बैकग्राउंड था वो चला गया बट ये जो इस पर सही नहीं लग रहा तो इसको हम ऑफ करेंगे तो भी नहीं बैकग्राउंड दिख रहा तो बैकग्राउंड आप आ, मतलब कि वाइट कलर के रखोगे टैक्स और सॉरी बैक ब्लैक कलर का टैक्स रखोगे एंड वाइट कलर का बैक रखोगे तो उसमें ये वाला काम आएगा तो हम सिंपल से क्या करते हैं इसको नॉर्मल करते हैं एंड देन गाइज इस पर टैप करना एंड इस पर इस पर टैप करने के बाद आपको इफेक्ट का ऑप्शन में जाना एंड इफेक्ट पर टैप करना एंड यहाँ पर गाइज सर्च मारना आपको स्मूथ एजिस ठीक है तो स्मूथ का uh, सर्च मारा एंड एजिस आ गया देन तो आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करना एंड स्ट्रंथ को थोड़ा सा बढ़ाना जितना भी आपको रखना चाहते हो इतना रख सकते हो तो हम मैंने कुछ इस टाइप से इतना रखा एंड देन गाइज एंडिंग तक जाना एंड एंडिंग तक इस वाले इमेज को लाना इस वाले ऑप्शन पर टैप करके एंड नहीं लग रहा तो हम बिल्कुल दस परसेंट तो प्रोजेक्ट से बैक आना एंड जो मैंने पुराने वीडियो में प्रोजेक्ट दिया था तो उसी वाले प्रोजेक्ट को लाएंगे एंड यहाँ पे इफेक्ट है ना उसको कॉपी करेंगे so, यहां पे जो छोटा सा लेर इस पर टैप करेंगे एंड यहाँ पे ब्लर इफेक्ट भी है तो अगर इसको लगाना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने पहले काफ़ी देर पहले रहा था थ्री टू फोर मंथ पहले याद नहीं तो हम सबसे पहले इसको इफेक्ट को कॉपी कर लेते हैं अब एंड देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक जाएंगे एंड इफेक्ट वाले ओ, और सॉरी मेन प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे एंड जो जो भी ट्वीट होगा उस पर टैप करेंगे उस वाले इमेज पे एंड इफेक्ट ऑप्शन जाके पेस्ट कर देंगे सो तो देख सकते यहाँ पे ये जो आ गया एंड अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो इस पर टैप करना है इफेक्ट के ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पे गाइस यार स्ट्रिप का ऑप्शन मिलेगा सो तो इस पर टैप करके इसका इफेक्ट को चेंज कर सकते हो बट मैं रिकमेंड करूँगा ये सब आप ना करें एंड देख सकते गाइस हमारा फाइनली बन गया एंड इसको इस टाइप से रखेंगे एंड इसका ऑपोजिट को थोड़ा सा माइनस में रखेंगे जो कि अच्छा सा लुक देगा सो देख सकते कुछ इस टाइप से एंड हमारा फाइनली बन गया एंड गाइज यार यहाँ पर आप वेव आपको ऑफ कर लोगे ना तो भी आपको बेस्ट लगेगा सो देख सकते कुछ इस टाइप से एंड हमारा जो है वीडियो बन के तैयार हो गया एंड यार अगर इस टाइप का वीडियोस बनाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि ट्रेंडिंग जो भी रील्स में होता है उनके कॉन्टेंट लाते रहता हूं एंड यार कैजे से भी ज्यादा आता है ठीक है उस पर ज्यादा कॉन्टेंट वीडियो को लाइक कर लें सो मैं भी तो किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को साथ